खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। जो कहते हैं कि शिक्षा और खेल का कोई संबंध नहीं होता, तो उनके लिए सिर्फ एक ही उदाहरण है, सुहास अलवाई। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं एक छोटे से शहर सिगोमा से टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडल तक पहुंचने की कहानी को सुहास अलवाई के। नमस्कार, मैं मोनाली पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 28। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिरकार कौन है सुहास अलवाई। कर्नाटक के एक छोटे से शहर शिगोमा में जन्मे सुहास अलवाई ने अपनी तकदीर को खुद अपने हाथों से लिखा है। सुहास अलवाई बचपन से ही एक पैर से विकलांग थे। वो बचपन से ही IAS नहीं बनना चाहते थे, लेकिन उनका रुझान खेलों में अत्यधिक था। पिता और परिवार का भी उन्हें भरपूर साथ मिला, लेकिन सुहास अलवाई का पैर पूरी तरह से फिट नहीं था, तो समाज के ताने उन्हें सुनने को मिलते रहे। लेकिन पिता और परिवार चट्टान की तरह उन तानों के सामने खड़े रहे और कभी भी उनका हौसला टूटने नहीं दिया। सुहास के पिता उन्हें सामान्य बच्चों की तरह देखते थे। सुहास का बैडमिंटन प्रेम उनके पिता की ही देन है। परिवार ने उन्हें कभी नहीं रोका, जो मन हुआ सुहास ने वो गेम खेला, और पिता ने भी हमेशा जीत की उम्मीद की। पिता की नौकरी ट्रांसफर वाली थी, जिसके चलते सुहास की पढ़ाई शहर शहर घूमकर हुई। शुरुआती शिक्षा उन्होंने गांव से ली। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने सूरत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बाद सबकी तरह सुहास ने भी बेंगलुरु में जॉब की, लेकिन उनको एक कमी अब भी खल रही थी। वन इंडिया के साथ बातचीत के दौरान सुहास ने कहा कि अंदर से एक आवाज आ रही थी, कहीं कुछ कमी थी। उन्हें लग रहा था कि उनका जीवन पूर्ण नहीं है। बार बार मन में ये कसक उठ रहा था कि समाज के लिए कुछ नहीं किया तो क्या किया। ये कमी भी खत्म हुई जब उन्होंने UPSC की तैयारी शुरू की। लेकिन 2005 में पिता की मृत्यु के बाद सुहास को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान उनके पिता का था। इसी कमोकश के बीच उन्होंने सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने की ठान ली। फिर क्या था, उन्होंने शुरू कर दी UPSC की तैयारी, और तकदीर और उनकी मेहनत दोनों ने सुहास अलवाई का साथ दिया। सुहास ने इंटरव्यू में बातचीत के दौरान कहा कि हमें अपना कर्म करना चाहिए, बाकी सब कुछ मुकद्दर पर छोड़ देना चाहिए। जब आप किसी चीज़ को पूरे दिल से पाने की कोशिश करते हैं, तो पूरी कायनात उसे आप तक पहुँचाने में लग जाती है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ। पहले PT, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू में सुहास को सफलता हासिल हुई, जिसके चलते 2007 में सुहास UP कैडर के IAS अधिकारी बन गए। सफर यहीं पर नहीं खत्म हुआ, क्योंकि अब बारी थी बैडमिंटन की। UPSC पास करते ही सबसे पहले उनकी पोस्टिंग हुई आगरा में, उसके बाद जौनपुर, सोनभद्र, आजमगढ़, हाथरस, महाराजगंज, प्रयागराज और गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी बने। सुहास सरकारी पदाधिकारी बन चुके थे। सुहास अलवाई को तेज तर्रार अधिकारी का दर्जा प्राप्त हो चुका था, लेकिन वो इतने में भी कहाँ रुकने वाले थे। जो बैडमिंटन का खेल पहले उनके लिए शौक था, धीरे धीरे वो खेल अब उनकी ज़रूरत बन चुका था। वो दफ्तर से आते और अपनी थकान को मिटाने के लिए बैडमिंटन खेला करते थे, लेकिन जब कुछ प्रतियोगिताओं में मेडल आने लगे, तो फिर उन्होंने इसे प्रोफेशनल तरीके से खेलना शुरू कर दिया। 2016 में उन्होंने इसे प्रोफेशनल तरीके से खेलना शुरू किया। 2016 में ही सुहास ने इंटरनेशनल मैच खेलना शुरू किया। चाइना में खेले गए बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपने पहली मैच में सुहास को हार मिली, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें जीत का फॉर्मूला भी मिल गया। इंटरव्यू में आगे बातचीत के दौरान सुहास कहते हैं कि मैच के वक्त पूरा प्रेशर होता है मेडल का, अगर हम उस प्रेशर को पार कर लेते हैं तो फिर हम मैच को जीत जाते हैं। तो ये रही सुहास अलवाई के संघर्ष की कहानी। वर्तमान में वो टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक के लिए खेलने वाले हैं, तो आगे क्या कुछ होगा ये देखना बेहद ही रोमांचक होगा। फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।